नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है दिनभर की 15 बड़ी और सुपर फास्ट खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में हुई संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में हुई चर्चा। जून 2024 तक बढ़ाया गया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी की लिस्ट में डालने का भारत ने किया स्वागत। भारत ने कहा, हिंदुस्तान की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मोदी सरकार की तारीफ। एस जयशंकर बोले, मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर बदली देश की छवि, दुनिया का बदल गया है नजरिया। भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, वरुण की विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा अलग है, उन्हें यहां दिक्कत होगी। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान की निकल गई हेकड़ी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोले, भारत से 3 युद्ध में मिल गया सबक, शांति चाहता है पाकिस्तान। सीबीआई ने भुवनेश्वर में सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी के ठिकाने पर मारा छापा। 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। साबुन के केस में हेरोइन छिपाकर ले जा रहे 2 व्यक्तियों को मिजोरम पुलिस ने दबोचा। 1.31 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। बिहार में शराब माफियाओं का दुस्साहस। छापेमारी करने गए कांस्टेबल की गई निर्मम हत्या। शीतलहर से कांप रहा है मध्य प्रदेश। नौगांव में रही सबसे सर्द रात। मौसम विभाग ने कहा, 48 घंटे तक अभी ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी के लखीमपुर खीरी में रहस्यमयी बुखार का कहर। 10 दिनों के भीतर 6 मासूमों की मौत। स्वास्थ्य विभाग हुआ सजग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर साधा निशाना। कहा, उपराज्यपाल हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं, उनके पास तो पावर तक नहीं। हरियाणा के अंबाला में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार का ट्राले से भिड़ंत। मां बेटी की मौत, पिता बेटी सहित 3 घायल। बदहाली की कगार पर पड़ोसी देश चीन। कोरोना ने लगाया अर्थव्यवस्था पर ब्रेक। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि चीन की जीडीपी 2023 में सिर्फ 4.3% तक बढ़ सकती है। आईटीआई वालों के लिए रेलवे में 4,000 से अधिक नौकरियां। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। तो ये थी दिनभर की 15 बड़ी और सुपरफास्ट खबरें। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।